पत्नी को शादी के कुछ साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। ये विचार उसने कागज पर लिख दिया। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं उब गई हूं तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ के जा रही हूं हमेशा के लिए। उस कागज को उसने टेबल पर रखा और जो पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा और कागज को वहीं तह करके रख दिया। फिर वो खुशी की सीटी बजाने लगा, गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। खुश होते हुए उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं मुक्त हो गया, शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई, इसलिए अब मैं आजाद हूं, तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूं कपड़े बदल कर तुम्हारे पास, तुम तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। पति बाहर निकल गया, आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं बावली, पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेकर आ रहा हूं, तब तक चाय बना लेना, मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे बहाने से है, आधी तुझे सताने से है और आधी तुझे मनाने से है। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध दो जिस्म एक जान है और परिवार की खुशियां तभी रह सकती हैं जब दोनों में आपसी सामंजस्य बना रहे। ये सामंजस्य बनाए रखिए और खुशियों भरा जीवन जीते रहिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने अपनों को शेयर करना जरूर, क्योंकि संभव है ये कहानी सुनकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए।